एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले। अब मैं चाहता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। नमस्कार भैया बिन्नाहरो बुंदेली बोछार अब इंटरनेशनल होगा, सब पूरे देश और दुनिया में इसको देखे जाते हैं। तो हमने सोची आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी खबर दें कि जैसे ही जब हिंदुस्तान की संसद में हिंदुस्तान के गृह मंत्री धारा 370 यानी कश्मीर की अनुच्छेद 370 को लेकर जैसे ही प्रस्ताव पेश कर रहे थे, वही टाइम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को मिर्गी आ गई और मिर्गी ऐसी आई कि अभी धार पचाक गिर पड़ी। आप सबसे पहले खुद देखो कि एक तरफ हिंदुस्तान की संसद में अमित शाह कश्मीर पे बयान दे रहे हैं, वही टाइम जो इमरान खान है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उनको का हाल भाव। मैं जो दो संकल्प और बिल लाया हूं उसमें कई सारे सदस्यों ने कुछ शंकाएं व्यक्त करी हैं, कुछ अपने विचार रखे हैं, कुछ जेन्युइन कंसर्न भी सदन के पटल पर रखे हैं, कुछ अपनी पार्टी की विचारधारा को भी लाइन को भी रखने का प्रयास किया है। मगर मैं सदन के सामने स्पष्ट करना चाहता हूं, एज अ लेजिस्लेटर मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से पहले देखे आपने। लेकिन इसके बाद भी चूंकि इमरान खान बुंदेली बौछार के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, इस वजह से इमरान खान अस्पताल में परे परे बुंदेली बौछार को इंटरव्यू देवे के लाना राजी हो गए। आप पहले झूठी तो नहीं कह रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे और इसको हम आपको सबूत दे रहे। कछु दिन पहले हमने इमरान खान से बात करी थी तो उनने, आप खुद सुनो बुंदेली बौछार के बारे में, बुंदेली बौछार के चैनल के बारे में क्या कही थी। शुक्रिया तो आपका कि आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम पे, वो प्रोग्राम जो मेरे सारे घर वाले देखते हैं, मेरी सारी बहनें देखती हैं, उनके बच्चे देखते हैं, तो आपका भी शुक्रिया। देखा, अब तो यकीन होगा। तो अब हम आपको सीधे इमरान खान साहब के पास लौटाए जा रहे और वे अस्पताल में परे हैं लेकिन इसके बाद भी बुंदेली बौछार को इंटरव्यू दे रहे। खान साहब क्या हाल है, ठीक हैं आप? ये बताओ कि हिंदुस्तान की संसद में जो प्रस्ताव पेश भाव और पारित हो गओ कि अब कश्मीर में धारा 370 नहीं रहे, तो ई के बारे में आपको क्या कह वो है? आप तो बहुत दिना से लगे थे ई के लाने मेहनत कर भी। मैंने अपनी जिंदगी के पाकिस्तान के लिए लड़ा हूँ, जो मैं कर सकता था मैंने किया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिम्मेदारी लें। हाँ खान साहब, बात तो सही कही आपने, गजब की मेहनत कर रहे हैं आप, खूब मेहनत करी आपने बिल्कुल, और ऐसी मेहनत तो भगवान करे कि मतलब कौ ना करवे जैसी आपने करी, ठीक है। अब आप ये बताओ कि आप तो अस्पताल में डरे हो, एकदम गश्त खा के गिरे हो, खूब उम्मीदन से पाकिस्तान वालों ने आपको प्रधानमंत्री चुने, तो अब आपको का हाल है, अब आपको का कैबो है पाकिस्तान वालों के लाने और बाकी जो आपके शुभचिंतक हैं उनके लाने? अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। मैं फिर से कहता हूँ कि जितना मैं कर सकता था मैंने किया अपने मुल्क के लिए, ये मैंने किसी पे एहसान नहीं किया, अल्लाह ने दिया मुझे इतना ज़्यादा, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं अपनी कौम के लिए कुछ करूँ। अब मैं चाहता हूँ कि अब सब पूरा जोर लगाएं अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए। अरे राम रे, आप तो एकदम बिल्कुल घबरा के जो है खान साहब एकदम मैदान ही छोड़े भाग रहे, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक बार फिर से बताओ नए तरीके से, का क्या वो चाह रहे हैं आप? 11 को इसको अपनी जंग समझना, मेरी जंग नहीं है, सिर्फ मुल्क की जंग है। अपनी आपने तकदीर, अपने बच्चों की तकदीर बदलनी है, आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़नी है, आपने फैसला करना है कि कैसे चलते रहना है। बहुत तकलीफ हो रही खान साहब आपको, जो हाल देख के मिर्गी को दौरा परे, गिर परे, अस्पताल में परे, वही के बाद आपको जो हाल, मतलब आप ऐसे बिल्कुल रणछोर बन रहे, बहुत तकलीफ हो रही। लेकिन आप चूंकि बीमार हो और आप जो है पाकिस्तान के जो भी
तमाम पुराने नेता रहे उनके अंदर तो इंसानियत नाम की कोई चीज़ हती नहीं, लेकिन हम उन्हें तो चूंकि हिंदुस्तानी का इंसानियत के लाने जाने जाते, तो आप चूंकि बीमार हो सो आपको ज़्यादा परेशान नहीं कर रहे, आप स्वास्थ्य लाभ ले और बढ़िया ऐसे ही पलंग पर परे रहो, और अगर हिंदुस्तान की तरफ आँख उठावे कि आपने कोशिश करी तो परमानेंट हमारी जो सेना है वो आपको पलका पे पाल दे, ठीक है, आप बढ़िया स्वास्थ्य लाभ लो, नमस्कार। ओम अचलेश्वर ज्योतिष केंद्र, अशुभ ग्रहों का प्रभाव एवं उनका समाधान, ज्योतिष के माध्यम से छोटे एवं सरल उपायों द्वारा घर बैठे पाए, फोन के माध्यम से जन्म कुंडली के द्वारा समस्या का समाधान, ज्योतिष आचार्य राजकिशन शास्त्री, प्रेम नगर नगरा, झांसी, उत्तर प्रदेश, मोबाइल नंबर 7309628156 8400403024। देश को पहलो बुंदेली मीडिया प्लेटफॉर्म बुंदेली बौछार जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबाएं, इसके बाद बेल आइकॉन दबाएं और बुंदेली बौछार की पूरी जानकारी समाचार पाएं।